तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने होंडा सिटी की EHEV कॉन्सेप्ट की जो इलेक्ट्रिक कार है, इनकी हाइब्रिड मॉडल है। ये प्रॉपर एक इलेक्ट्रिक कार कह सकते हो आप, इसे इलेक्ट्रिक सेडान कह सकते हो। मतलब फर्स्ट इन सेगमेंट में आज तक कोई भी सेडान प्रॉपर इस बजट के अंदर इलेक्ट्रिक नहीं आई है। और ये 27 की माइलेज क्लेम करती है। अगर आप देखें तो इतनी मैग्निफिकेंट माइलेज मारुति तक अपनी गाड़ी की CS के अंदर नहीं दे पाती, वो भी 18-19 तक ही जा पाती है सिटी के अंदर, हाईवे के अंदर। बेसिकली अगर मैं बात करूँ सिटी के अंदर तो 13-14-15 की दे पाएगी वो, और यहाँ पर ये आपको 27 तक की माइलेज दे देगी। क्योंकि ये पेट्रोल और हाइब्रिड जो इसकी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है, बैटरी टेक्नोलॉजी है, उस पर चलेगी, दोनों ही फंक्शंस में ये वर्क करेगी। तो आज इसकी बात करने वाले हैं हम कि इसके अंदर क्या हमें फ़ीचर्स मिलते हैं, क्या हमें इसके अंदर कंपनी की तरफ से लेविश फ़ीचर्स मिलते हैं जो एक इसको एक प्रॉपर परफेक्ट फैमिली कार बनाती है, एक प्रॉपर फैमिली सेडान बनाती है आज की डेट पे। अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट लुक की, तो इसके अंदर जो हेडलैम्प्स हमें मिलते हैं वो कुछ ऐसे इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके अंदर हमें यहाँ पे DRL का प्रोविजन भी दे रखा है कंपनी ने। ये चीज़ अच्छी कर रखी है कि अगर किसी को एक टॉप मॉडल नहीं लेना है और उसे एक वैल्यू फॉर मनी मॉडल लेना है तो वो ज़रूर से ले सकता है। और आपको एक काफ़ी अच्छा इसके अंदर कंसोलिंग मिल जाएगी हेडलाइट की, क्योंकि इसके अंदर हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है आपको। उसको आप चेंज करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, और इसके अंदर ज़रूर से LED अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। नीचे फॉग लैम्प का प्रोविजन भी मिल जाता है। फ्रंट में थिक क्रोम की ग्रिलिंग मिलती है और ये प्रॉपर ऊपर तक जाती है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये प्रॉपर कवर कर रही है यहाँ तक, और काफ़ी एक अच्छा अपीलिंग लुक निकल के आ रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके इंजन की, जो इसके अंदर इंजन हमें मिलता है होंडा की तरफ से, वो मिलता है 1500 CC का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 96 BHP और 127 Nm का टॉर्क निकालता है। काफ़ी पावरफुल अच्छा इंजन इसके अंदर हमें होंडा की तरफ से मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है होंडा की, आपको पता ही है। रिलायबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है जब आप बात करें तो होंडा की रिलायबिलिटी, और अच्छे प्रीमियम फीचर्स ह्युंडई के दोनों मिक्सचर हैं इस होंडा ब्रांड की सिटी के अंदर। क्योंकि किसी को फीचर्स चाहिए होते हैं तो वो ह्युंडई की तरफ जाता है, किसी को रिलायबिलिटी चाहिए होती है वो मारुति की तरफ जाता है। होंडा आपको दोनों चीज़ें एट अ टाइम प्रोवाइड करता है। फीचर्स भी इसके अंदर आपको इंक्रीज मिल जाते हैं, साथ ही साथ रिलायबिलिटी मिल जाती है। फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो नीचे मेश ग्रिल मिलती है मैट ब्लैक फिनिश के अंदर, इसके अंदर क्लाइडिंग मिलती है नीचे जो स्किड प्लेट्स दे रखी हैं। ऊपर अगर मैं बात करूँ इसके मिरर्स में, तो इसके अंदर हमें प्रॉपर कैमरे का प्रोविजन मिल जाता है, जो इसके अंदर एडाप्टिव ब्रेकिंग सिस्टम है वो यहाँ पे हमें मिल जाता है, जैसे ADAS जिसे हम कहते हैं, एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, मैनेजमेंट ब्रेकिंग सिस्टम, जो इसके अंदर हमें ज़रूर से मिल जाता है। मतलब उस लेवल का नहीं मिलता, वो टॉप मॉडल खड़ा है उसके अंदर उससे ज़्यादा फीचर्स हमें मिल जाते हैं, बट इसके अंदर बेसिक फीचर्स ज़रूर से आपको मिल जाते हैं, वो आगे बात करेंगे। फ्रंट लुक में हमें कुछ इसके अंदर ऐसा लुक मिलता है। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड प्रोफाइल हमें कुछ इसके अंदर ऐसी मिल जाती है, जिसके अंदर हमें काफ़ी ही सुंदर इसके अंदर अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से। अगर मैं अलॉय व्हील्स का बात करूँ तो इसके अंदर जो हमें टायर साइज़ मिलता है वो हमें मिलता है इसके अंदर R16 का, 185/55 R16 का इसके अंदर टायर प्रोफाइल मिलता है। डुअल टोन फिनिश के अंदर अलॉय व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है, रेयर में भी इसके अंदर डिस्क ब्रेक का प्रोविजन दे रखा है। मतलब अगर आप देखो तो जहाँ पे इसी के सेगमेंट्स में हमें रेयर में डिस्क ब्रेक नहीं मिलती, वहाँ पे आपको रेयर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाती है। 40 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक मिलता है 27 की माइलेज के साथ, काफ़ी अच्छी माइलेज और काफ़ी अच्छा फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसके अंदर मिल जाती है। लंबाई में पूरी लंबी है, अंदर स्पेस एंड कम्फर्ट आपको प्रॉपर मिलेगा। ORVM की अगर मैं बात करूँ, कितना ही शानदार बड़ा ORVM मिलता है। ब्लैक जो ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं ना, वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि ORVM काफ़ी अच्छा दे रखा है इसके अंदर साइज़ में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर एक LED स्ट्रिप मिल जाती है, रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं डोर पैड पे दोनों साइड ही। तो जो मारुति वाले फीचर्स है ना, मैं कह तो रहा हूँ आपको कि मारुति वाले फीचर्स और सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक चीज़ मैंने और अभी नोटिस करी, अगर आप देखें वहाँ पे स्टेल लाइट ऑन हो गई, जैसे आप गाड़ी के पास जाएंगे ना, ये एक वेलकमिंग फीचर है जो गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। जैसे आप हैंडल को ग्रैब करेंगे आपकी जो टेल लाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगी। ये फीचर बंद भी हो सकता है, अगर जैसे अगर आप इस टाइम अगर आप देखें तो लाइट्स बंद है। अब अगर मैं गाड़ी के पास जाता हूँ, टेल लाइट पे नोटिस रखना, जैसे ही मैं गया ये जल गई। शायद इसके अंदर कुछ तो फीचर है, फंक्शन है, जो मेरे को अभी समझ नहीं आया। शायद उसका जो अंदर से सिस्टम है वो ऑफ करेगा, लॉक करेगा गाड़ी को, उसके बाद वो शायद ऑन होंगी जब दोबारा मैं जाऊँगा गाड़ी के पास। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कंपनी की तरफ से। अगर मैं बात करूँ, साइड लुक काफ़ी अच्छा इसके अंदर दे रखा है, प्रॉपर स्पेस इसके अंदर है, स्पेस के अंदर जाके बात करेंगे। ऊपर अगर मैं बात करूँ इसके अंदर शार्कफिन एंटीना मिल जाता है हमें। रेयर में अगर मैं बात करूँ, यहीं से सीधा अगर हम रेयर में जाते हैं तो डिफॉगर्स मिल जाते हैं। LED में इसके अंदर प्रॉपर हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है। रेयर की अगर मैं बात करूँ, स्पॉइलर हमें यहाँ पे ज़रूर से मिल जाता है। ये एक नया इसके अंदर अपडेटेड चीज़ डाली गई है स्पॉइलर की, सिटी की यहाँ पे बैजिंग मिलती है हमें। पीछे की बात करूँ होंडा का, यहाँ पे लोगो मिलता है। होंडा के लोगों के अंदर भी इन्होंने एक प्रॉपर कॉस्मेटिक चेंज कर रखे हैं कि ब्लू कलर की आपको लाइंस दे रखी हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि ये एक EV सेडान है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी दे रखी है, EV HEV की प्रॉपर बैजिंग दे रखी है कि आपको प्रॉपर पता चले कि आप एक इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ी चला रहे हैं, जो प्रॉपर टोयोटा के अंदर कैमरी के अंदर मिलता है, वही सिस्टम इसके अंदर हमें मिल जाता है। रियर में अगर मैं बात करूँ, इसकी जो टेल लाइट है
अगर उसका लुक चेकआउट करें अगर हम एक बार आप अगर की से अनलॉक करेंगे, लॉक करने के बाद अनलॉक करेंगे तो ये प्रॉपर ऐसा कुछ इसके अंदर मोड निकल के आता है, कुछ सेकंड्स तक जलती है। फॉलो मी हेडलैम्प टेल लैम्प आप कह सकते हैं, काफ़ी एक अच्छा प्रीमियम लुक ऑफर करते हैं। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, नीचे अगर मैं बात करूँ, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, कैमरे का प्रोविजन यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये चीज़ अच्छी कर रखी है। रिक्वेस्ट सेंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ बूट स्पेस की, तो कुछ इसके अंदर हमें ऐसा बूट स्पेस मिलता है। बूट स्पेस थोड़ा सा कम आपको लग रहा होगा और ये ऊपर ऊपर लग रहा होगा, वो इसलिए है क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक ले रहे हैं तो बैटरी की प्लेसमेंट कहीं ना कहीं तो कंपनी करेगी। अगर हम यहाँ से इसको फोल्ड करते हैं तो अगर आप यहाँ देखें, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये डेमी टायर दे रखा है, मतलब जो नॉर्मल टायर की चौड़ाई है, अगर आप देखें कितना चौड़ा टायर इसके अंदर मिल जाता है। और जो इसके अंदर जो मर्सिडीज़ के अंदर आता है, BMW के अंदर आ जाता है, जो टायर्स जो स्टोरेज सेविंग टायर्स कहते हैं, जिसे हम बेसिकली कहते हैं कि बूट के अंदर जो स्पेस है उसको कम यूटिलाइज़ हो, तो वो वाला टायर इसके अंदर दे रखा है। इसके नीचे जस्ट नीचे बैटरी का प्रोविजन दे रखा है, तो ये चीज़ है। कुछ यहाँ पे आपको लगेज स्पेस मिल जाती है, जैक प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है, बाकी डिसेंट इनफ यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है। ऊपर की तरफ यहाँ पे कंपनी की तरफ इसके अंदर लैंप भी मिल जाता है, तो मतलब अभी भी डिसेंट अमाउंट में इसके अंदर स्पेस बची है कि आराम से एक अच्छे खासे 4 से 5 बंदों का सामान ये लेके जा सकती है कहीं पर भी। और माइलेज दे रही है तो उस हिसाब से सही भी है। प्रॉपर क्लाइडिंग कवर्ड दे रखी है यहाँ पे, ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे भी प्रॉपर कवरिंग दे रखी है, कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है कंपनी की तरफ से, ये चीज़ अच्छी है। अगर मैं बात करूँ अंदर की, तो अंदर जाने से पहले आपको बता दूँ बी पिलर इसके अंदर मैट ब्लैक फिनिश के अंदर दे रखा है। ये अगर मैं इसका इंटीरियर लुक चेकआउट करवाऊँ आपको, तो इंटीरियर लुक कुछ ऐसा मिल जाता है इसका। अंदर से बैठ के चेकआउट करते हैं। पहले अगर मैं बात करूँ डोर पैड की, तो डोर पैड इसके अंदर फैब्रिक फिनिशिंग के अंदर मिल जाता है हमें, प्रॉपर सॉफ्ट टच मिलता है दोनों साइड ही। चारों पावर विंडो इसके अंदर मिल जाती है आपको, लॉक अनलॉक का स्विच, चाइल्ड लॉक सेफ्टी मिल जाता है, ORVM इसके अंदर ही हमें कंट्रोलिंग में मिल जाती है, साथ साथ ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन का फीचर मिलता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ अनलॉक में इसके अंदर हैंडल मिल जाता है हमें। नीचे बात करूँ तो 1 लीटर की पानी की बॉटल, कुछ स्पेस मिल जाती है आपको, 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, ट्विटर का प्रोविजन नहीं कर रखा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीट की, तो सीट की बात करूँ तो यहाँ पे कोई हाइट एडजस्टमेंट सीट नहीं मिलती। जो बूट का लीवर है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छी स्पेस के यूटिलिटी के हिसाब से दे रखा है, मतलब एक जो यहाँ पे मिलता है ज़्यादातर कंपनी यहाँ देती है, कंपनी ने उसको यहाँ पे दे रखा है साइड में। अगर मैं बात करूँ इंटीरियर में, तो सामने अगर आप देखें तो लग रहा होगा यार ये तो बिल्कुल ही, ये काफ़ी वेलकमिंग फीचर मेरे को लगा होंडा की तरफ से अपनी सिटी के अंदर जो ऑफर कर रहे हैं। प्रॉपर ये बैजिंग भी बता रही है कि आप एक ईवी के अंदर बैठे हैं, ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को कंपनी की तरफ से, ये चीज़ ऑफरिंग होना ये काफ़ी एक अच्छा हो जाता है। स्क्रीन देख के लग रहा होगा इंस्ट्रूमेंट प्लेसर देख के कि यार ये तो डिजिटल है, बट ये डिजिटल नहीं है, ये सेमी डिजिटल है। अगर आप देखें ध्यान से तो अभी आपको पता चल रहा होगा कि ये डिजिटल प्रॉपर डिजिटल बेस नहीं है। जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो डिजिटल है इसके अंदर, और जो राइट हैंड साइड वाला सिस्टम है जो इसका है वो इसके अंदर हमें मिल जाता है प्रॉपर, जिसे हम कहें कि अपना जो स्पीडोमीटर वाला सिस्टम होता है। क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड वाला है ये प्रॉपर इसके अंदर हमें फिजिकल वाला ही मिलता है, सिर्फ उसके अंदर एम्बेंट जो लाइट्स पीछे से निकल के आ रही हैं वो आ रही हैं, बट जो उसके अंदर निडल है वो ओरिजिनल है। साथ साथ अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ, तो उसके अंदर कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती, ये प्रॉपर इतनी स्क्रीन आपको दिख ही रही होगी, ये हमें इसके अंदर मिल जाती है डिजिटल बेस्ड। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ, काफ़ी प्रीमियम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, सारे माउंटिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, अडैप्टिव स्क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर मिल जाता है। अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको प्रॉपर इंडिकेशन हो रही हैं कि अगर आपको स्क्रूज़ कंट्रोल सेट करना है नहीं करना, ये सारी चीज़ें मिल जाती है, लेन की वार्निंग मिल जाती है, ये सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं जो किसी और सेडान के अंदर अभी फिलहाल नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इफेक्टिव है। अगर मैं बात करूँ स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स की, इधर वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सारा कॉल काटने उठाने के बटन मिलते हैं, पेडल शिफ्टर तक मिल जाते हैं, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट हम इसका देख रहे हैं इस टाइम पे। और इसके अंदर साथ से साथ ऑटोमेटिक जो ब्रेकिंग है वो मिल जाती है आपको, जो हैंड ब्रेक है वो मिल जाती है, कोई भी इसके अंदर लीवर नहीं दे रखा, ये चीज़ काफ़ी अच्छी होंडा ने कर दी है आज की डेट पे। जिसका डैशबोर्ड का लुक है वो भी काफ़ी अमेजिंग इसके अंदर आ जाता है, प्रीमियमनेस पूरी दे रखी है होंडा ने। अगर किसी को रियलिटी में एक सेडान लेनी हो और एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी सेडान लेनी हो, तो ज़रूर से होंडा सिटी की तरफ जा सकता है। काफ़ी अच्छी इसके अंदर स्क्रीन मिल जाती है आपको, डिसेंट इनफ साइज़ की स्क्रीन मिलती है, सारा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एवरीथिंग इसके अंदर हमें यहाँ पे मिल जाता है, साथ में टच सेंसिंग बटन्स भी मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ एसी के कंट्रोल्स की, एसी वेंट्स की, तो हमें कुछ यहाँ पे एसी वेंट्स ऐसे मिल जाते हैं। और अगर हम इस साइड बात करें तो वाइपर कंट्रोल्स हमें मिलते हैं, हेडलैम्प कंट्रोल्स इसके अंदर हमें ऑटोमेटिक मिल जाते हैं जिसके थ्रू ये जलते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं इसके अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए यहाँ पे मिलता है, और नीचे ही उसके जस्ट हमें यहाँ पे जो उसका हुड है उसको खोलने का लीवर मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करूँ तो स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट काफ़ी टाइट रखी गई है, मतलब एकदम से ऊपर नीचे नहीं हो रहा, क्योंकि शायद अभी गाड़ी जस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आई है तो काफ़ी
सो ताकत लगानी पड़ रही है इसको ऊपर नीचे करने की। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी ब्राइटनेस का आपको प्रॉपर कंट्रोलिंग मिल जाती है, ये चीज़ अच्छी दे रखी है कि अगर रात को आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, पावर के नाम से वो दिखाता है। और जो इसका पावर बटन है ना, पुट स्टार्ट बटन, वो भी पावर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है तो उसकी वजह से उसको ज़्यादा इन्होंने पावर के हिसाब से बता रखा है कि हाँ ये बिजली से चलती है, मोर ओवर पेट्रोल से ना चल के उतना। यहाँ पर हमें इसके अंदर चारों इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है। एक चीज़ रह गई जो मुझे लगता है यार, ये भी इसको इनको ऑटोमेटिक IRVM दे देना चाहिए था, शायद अपर के मॉडल्स में इन्होंने दे रखा हो, बट फिलहाल बेस जो इसका ये वाला मॉडल है इसके अंदर नहीं मिल रखा आपको। हेलोजन में इसके अंदर कैबिन लैंप मिल जाती है, ये चीज़ अच्छी है। अगर मैं बात करूँ सनवाइज़र की तो इसके अंदर सनवाइज़र में मिरर के बिना हमें सनवाइज़र मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सेम एज इट इज़ मिरर मिलता है, बट कोई सन लाइट नहीं मिलती, तो ये चीज़ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे हमें मिल जाता है। फैन स्पीड भी काफ़ी अच्छी दे रखी है, एकदम से वो सपोर्ट करता है। ऑफ का बटन यहाँ पे हमें मिल जाता है। नीचे अगर मैं बात करूँ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिलता है, 2 USB सॉकेट मिलते हैं, एक वो फोन को कनेक्ट करने के लिए मिलता है, एक आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन है उसके साथ जो USB पेन ड्राइव आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। कुछ फोन रखने की स्पेस मिलती है या वॉलेट रखने की, यहाँ भी आपको कुछ रख सकते हैं। और साथ साथ 2 कप होल्डर यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, काफ़ी इफेक्टिव है। साथ साथ आपको इसके अंदर पेडल शिफ्टर मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। इकॉन करके आपको एक मोड मिलता है, अगर आप देखिए जैसे मैंने इसे क्लिक किया ये डीएक्टिवेट एक्टिवेट हो गया, इससे आपकी जो माइलेज है और दुगनी हो जाएगी, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको एक मिल जाता है चार्जिंग सॉकेट का बटन, ये वायरलेस पैड आपको दे रखा है, अगर आप वायरलेस चार्जिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर से कर सकते हैं। आर्मरेस्ट भी काफ़ी अच्छी स्पेशियस इसके अंदर दे रखी है, अगर मैं बात करूँ स्लाइडेबल नहीं है बट एटलीस्ट स्पेशियस दे रखी है। सीट कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है, सिटी है तो सीट कंफर्ट होगा ही, काफ़ी अच्छी सीट अपॉलिट्री इसके अंदर मिल जाती है आपको। जो लंबर सपोर्ट भी इसके अंदर मिलता है वो लंबर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसके अंदर। कंपनी ने ध्यान पूरा रखा गया है कंफर्ट में, सिटी हमेशा से अच्छी मानी गई है। जिसके अंदर ग्लव बॉक्स स्पेस मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो मतलब ऑल अराउंड काफ़ी एक अच्छा पैकेज बन जाता है। लेग स्पेस भी अच्छी मिल जाती है आपको फ्रंट में, अगर मैं लेग स्पेस की बात करूँ डेड पेडल प्रॉपर दे रखा है कंपनी ने, दोनों पेडल्स में भी काफ़ी अच्छी लेग स्पेस मिल रखी है, तो लेग स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको। पेडल्स के अंदर गैप भी अच्छा इसके अंदर डिसेंट एनफ दे रखा है, डैशबोर्ड भी इसके अंदर अच्छा खासा दे रखा है, तो विजिबिलिटी भी आपको बहुत ही अच्छी इसके अंदर मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ फ्रंट से तो डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा ही इसके अंदर हमें मिलता है। जो इसके अंदर एक मेजर चीज़ कर रखी है कि ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनेगा, अगर आप यहाँ देखें ना ये ट्विटर इतना छोटा रखा गया है, उसके पीछे भी यहाँ पे स्पेस दे दी गई है कि ब्लाइंड स्पॉट बने ही ना गाड़ी के अंदर। तो मैंने आपको बता ही दिया कि ब्लाइंड स्पॉट का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है। ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ग्लैब हैंडल मिलता है, वो प्रॉपर सॉफ्ट टच के साथ मिल जाता है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी रखी गई है कंपनी की तरफ से कि फीचर लोडेड कार बनाई है। अगर किसी को एक सेडान चाहिए प्रॉपर तो उसके हिसाब से एक काफ़ी इफेक्टिव कंफर्टेबल सेडान ये बन जाती है। बात करते हैं रेयर स्पेस की कि रेयर स्पेस इसके अंदर हमें कैसा मिलता है। तो रेयर स्पेस की अगर मैं बात करूं तो रेयर स्पेस बहुत ही शानदार है। आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, अराउंड में 6 फीट हूं, तो उसके हिसाब से सीट कंफर्ट स्पेस बहुत ही अच्छा दे रखा है। लेग स्पेस बहुत ही शानदार इसके अंदर दे रखा है, और यहाँ पे ना एक इंक्लाइन दे रखा है। अगर आप यहाँ देखें ना नोटिस करें तो एक इंक्लाइन दे रखा है कि पैर ना बिल्कुल रिलैक्सली फील हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है बैठने में गाड़ी के अंदर। एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे अगर मैं बात करूँ पावर आउटलेट्स मिल जाते हैं इसके अंदर, 2 पावर आउटलेट्स मिल जाते हैं कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, पैसेंजर्स 4 से 5 लोग इसके अंदर बैठे हैं तो आप आराम से चार्जिंग कर सकते हैं। आर्मरेस्ट इसके अंदर जरूर मिल जाता है कप होल्डर के साथ, बट ये थोड़ा ना इनको यहाँ स्टडी देना चाहिए था कि ये इस जगह रुक जाए आके, बट ये तो पूरा नीचे है तो ये खुद ही सपोर्ट में नहीं है तो आम को क्या सपोर्ट देगा। बट फिर भी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कंफर्टेबल नहीं है, बट हाँ इसको लॉकिंग सिस्टम में यहाँ तक लॉक कर देना चाहिए था कंपनी को। फिलहाल इसके अंदर आर्मरेस्ट मिल जाता है, आइसोफिक चाइल्ड सीट्स मिल जाती हैं। पीछे की तरफ अगर मैं बात करूँ 60-40 का स्प्लिटिंग आपको नहीं मिलती इसके अंदर, बट आपको तीनों की तीनों सीट बेल्ट मिल जाती है, तो 5 बंदे आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं। साइड में अगर मैं बात करूँ शीशा बहुत बड़ा दे रखा है, विंडो एरी दे रखी है, जिसकी वजह से एक एरी कैबिन की आपको फीलिंग जरूर से मिल जाएगी कार के अंदर, और एक क्लस्ट्रोफोबिकनेस जो कार के अंदर होती है वो बिल्कुल भी नहीं फील होगी। डैशबोर्ड जो डोर पैड है उसका लुक कुछ आपको इसके अंदर ऐसा मिल जाता है, काफ़ी प्रीमियम डोर पैड का लुक मिलता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी आपको प्रॉपर फैब्रिक अपॉलिस्ट्री मिल जाती है, अनलॉक लीवर आपको मिल जाता है क्रोम में, पावर विंडो मिल जाती है, 1 लीटर की पानी की बॉटल, 4 स्पीकर आपको मैंने मिल जाता है, मैंने बताया आपको। अगर यहाँ से हम बात करें तो कुछ ऐसा इसके अंदर डैशबोर्ड का लुक निकल के आता है, काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड का लुक निकल के आता है। तो ये था कुछ इसके अंदर होंडा सिटी का कंफर्ट स्पेस। अगर मैं अपनी बात करूँ तो इसके अंदर हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हेडरूम की इसके अंदर, तो ये चीज़ काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है कि अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर से इसको ले सकते हैं एज अ सेडान और इलेक्ट्रिक सेडान हाइब्रिड चीज़ में। स्मार्ट हाइब्रिड मारुति भी दे रही है, बट उनका स्मार्ट हाइब्रिड इतना वर्किंग और इतना अच्छा नहीं है कि मैं कहूँ कि वो इतनी माइलेज निकाल पाए, वो 19-20 की माइलेज पर अटक जाता है, बट ये 27 की माइलेज आपको निकाल के देगी, हम बीच में मिल जाता है, छोटा सा हम पे मेजर इतना चीज़ नहीं है। डैशबोर्ड का लुक काफ़ी प्रीमियम है, गाड़ी में बैठते सारे आपको प्रीमियमनेस फील होगी।
तो ये था इसका प्रॉपर वॉक अराउंड, क्या आपको इसके अंदर मिल जाता है, इस मॉडल के अंदर क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या कंफर्ट एंड स्पेस के फीचर मिलते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी मॉडल बन जाता है ये, क्योंकि अगर किसी की बात करूँ मैं तो जिसको एक सेडान चाहिए जिसके अंदर मेजरली ज़्यादा फीचर आएँ और साथ ही साथ आपको माइलेज मिल जाए 27 की, तो आप ज़रूर से इसको ले सकते हैं। और इसके पीछे फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर सिस्टम, सब कुछ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो मैंने फीचर्स छोड़े हैं ना वो इसके इस वाले मॉडल्स में आपको मिल जाते हैं। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर मिलता है, तो मतलब आपको फीचर्स मिलते हैं, 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आप बात करें ह्युंडई जैसी, आपको फीचरिंग मिल जाती है, फीचर्स मिल जाते हैं, मारुति जैसी रिलायबिलिटी मिलती है, तो आप ज़रूर से एक ऐसी गाड़ी को लेना पसंद करेंगे जहां आपको फीचर लोडेड सेडान मिले अपनी फैमिली के लिए और अपनी सेफ्टी कन्वीनियंस के लिए और साथ साथ एक कंफर्टेबल स्मूथ राइड के लिए। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। बात करूं अगर मैं लास्ट एक चीज़ की, अगर आपको अपनी गाड़ी लेनी है होंडा की, तो डिस्क्रिप्शन में एग्जीक्यूटिव का नंबर मेंशन है। अगर आपको कोई भी बुकिंग रिलेटेड या कार से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ज़रूर से वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट करें, आपको गाड़ी जल्दी से जल्दी भी मिलेगी और साथ ही साथ डिस्काउंट्स भी मिलेंगे और जल्दी से जल्दी आपकी गाड़ी जो भी आप पसंद करना चाहते हैं, कोई प्राइस रिलेटेड आप बात करना चाहते हैं शोरूम पे डायरेक्ट, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेंशन है वो नंबर, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।